दोस्तों, बेनेली कंपनी इंडिया में लॉन्च करने वाला है एक रेट्रो स्टाइल हेरिटेज लुकिंग बाइक्स, बेनेली इंपीरियल 400। ये बाइक काफ़ी हद तक रॉयल एनफील्ड क्लासिक की तरह दिखता है, और ये भी सुनने को मिल रहा है ये बाइक अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो रॉयल एनफील्ड को एक ज़बरदस्त टक्कर देने वाला है, जो डोमिनर 400 भी दे नहीं पाया अभी तक। इसमें आपको 373 cc का एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलेगा, जिसका मैक्सिमम पावर है 19 bhp एट 5500 rpm और मैक्सिमम टॉर्क है 28 Nm एट 3500 rpm, जो कि लगभग सेम है आरी क्लासिक 350 से। इसमें आपको 5-speed गियर बॉक्स मिलेगा, फ्रंट और रियर दोनों तरफ डिस्क ब्रेक है। फ्रंट में है 300 mm का डिस्क और रियर में है 240 mm का डिस्क। और दोस्तों, बेनेली इसमें डुअल चैनल एबीएस भी दे रहा है, जो कि स्टैंडर्ड है। इसके सस्पेंशन भी काफ़ी गुड क्वालिटी का प्रोवाइड कर रहा है बेनेली। फ्रंट में है 41 mm का टेलीस्कोपिक फोर्क्स और रियर में है डुअल शॉक एब्जॉर्बर। इसके फ्रंट में 18 inches का और रियर में 19 inches का स्पोक व्हील है, तो ये एक्सपेक्टेड है इसके साथ ट्यूब टायर ही आने वाला है। और अगर प्रोडक्शन में एलॉय व्हील प्रोवाइड करता है बेनेली, तो फिर ट्यूबलेस टायर भी मिल जाए। इसके फ्रंट में 110x90 सेक्शन का और रियर में 130x80 सेक्शन का टायर मिलेगा। इसके इंस्ट्रूमेंट कौनसा एनालॉग और डिजिटल मिक्स्ड है, पर थोड़ा सा ही इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटल ही मिलेगा, ज़्यादातर एनालॉग ही है। इसमें फ्यूल इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, लगभग सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। रॉयल एनफील्ड से बेहतर क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट कौनसोल प्रोवाइड कर रहा है कंपनी। इसमें सेल्फ स्टार्ट होगा, किक स्टार्ट नहीं होगा, पर शायद प्रोडक्शन वाले मॉडल में किक स्टार्ट भी दे सकता है बेनेली। इसका टैंक कैपेसिटी है 12 liters का, पर माइलेज का कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है दोस्तों। पर इसके पावर एंड वेट रेशियो को देखते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका माइलेज 32 से 35 km/l का हो सकता है। इसका हेडलाइट और टेललाइट दोनों ही हेलोजन है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm और इसका कार्गो वेट है 200 kg। इसका एक्सपेक्टेड शोरूम प्राइस है 2 से 3 lakh के बीच में, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा इसको इंडियन मार्केट में अपने पकड़ बनाने में। ऑफिशियल इमेज में देख सकते हैं कि इसके साथ सैडल बैग्स भी है, तो एक्सपेक्टेड है इसके साथ काफ़ी सारे एक्सेसरीज जो है लॉन्च होने वाला है। बेनेली 2017 में इस बाइक को मिलान के एक मोटरसाइकिल शो में शोकेस किया था, और इंडिया में शायद 2019 के जून और जुलाई में ये बाइक लॉन्च कर जाए। सुनने को मिला है इसके एग्जॉस्ट साउंड यानी कि थंब जो है काफ़ी ज़्यादा होने वाला है रॉयल एनफील्ड से। तो दोस्तों, इस बाइक को टूरिंग सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड का जो डोमिनेशन है उसको दिमाग में रखते हुए लॉन्च कर रहा है बेनेली। पर ये कितना इम्पैक्ट लाता है रॉयल एनफील्ड के सेल में, ये तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को दबा दीजिए। अभी के लिए शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। लीव सेफ, राइड सेफ, जब भी राइड करें हेलमेट पहनना ना भूले दोस्तों। अलविदा।